तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका अकाउंट्स का गुरु। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 गुडविल के कुछ हाई लेवल क्वेश्चन, जहां पर हमारी कुछ एडजस्टमेंट होगी। तो इसको समझने से पहले हमारे को एक वर्ड जानना है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आपसे पूछूंगा आप क्या बोलोगे? खर्चा। अब हमारे एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़े थे, कौन कौन से? फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मैंने कहा वो एक्सपेंसेस जहां या जो रिलेट करते हैं परचेज ऑफ एसेट्स और रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज से, परचेज ऑफ एसेट्स और रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज से, यानी जहां हम या तो एसेट्स खरीदते हैं या लायबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं। अगर इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाले को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेगुलर यानी जो रोजमर्रा के यानी डेली बेसिस के अंदर होने वाला काम है, इरेगुलर वाले को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर। जिसका एक आपसे छोटा सा सवाल पूछता हूं, ये बताओ रेंट पे करना रेगुलर है या इरेगुलर है? रेगुलर। कहाँ आएगा? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। झट से आपने बोला रेवेन्यू, राइट? तो यहां मेंशन कर लेते हैं ये इरेगुलर होते हैं और ये हमारे रेगुलर होते हैं। अच्छा जी, अब इसके जरा कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं जो हमारे अभी इन क्वेश्चन के अंदर यूज आएगा। तो यहां पर तो हमारा बेसिकली एक ही चलेगा, परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होती है? एसेट्स पता है सबको, एसेट्स को खरीदना क्या है? मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे को बताइएगा डेप्रिसिएशन रेगुलर इरेगुलर? रेगुलर। ये क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेगुलर में क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। एक और ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेगुलर इरेगुलर? रेगुलर यानी रेवेन्यू। अब आपने सिंपल बताना है कि रेवेन्यू या कैपिटल। अच्छा, रिपेयर्स रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। ये मैंने क्यों बताया? इनका यूज होगा। अच्छा, एक पॉइंट और बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा बैलेंस शीट में आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे P&L अकाउंट में आते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर। यानी अगर आप एसेट खरीद रहे हो, लेट से आपने मशीन खरीदी 2 लाख की, तो आप उसे P&L में डालेंगे या बैलेंस शीट में डालेंगे? बैलेंस शीट में। पर आपने उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया, कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट या P&L? P&L। हो गया। बैलेंस शीट के अंदर क्या आएगा? मेरा एसेट्स। पर P&L के अंदर क्या आ जाएगा? मेरा डेप्रिसिएशन। बोलो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके अंदर होगा क्या, इन वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई एसेट खरीदी, हमने कोई एसेट खरीदी बट हमने गलती से उसे अपने तो यानी मेरी एसेट थी, क्या एसेट प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। करेक्ट, एसेट जाती है बैलेंस शीट में। और रिपेयर बैलेंस शीट में जाती है? नहीं, कहां जाती है? P&L में। यानी ये क्या कॉन्सेप्ट है कि मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कंसीडर कर लिया बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गलती से कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो कोई एसेट खरीदी, वो तो मेरी P&L में नहीं जानी थी, पर मैंने उसे क्या मान लिया? रिपेयर्स। तो वो पूरा अमाउंट किधर चला गया? P&L में। इससे मेरा प्रॉफिट सही आएगा गलत आएगा? गलत आएगा। प्रॉफिट ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। बच्चा बोला कैसे? मेरे को बहुत सिंपल है बेटा, रिपेयर्स कहाँ जाती है? खर्चे वाली साइड या इनकम वाली साइड? P&L में। एक्सपेंस वाली साइड। अब ये बताओ मेरा एक्सपेंस बढ़ गया ना,
तो क्या होगा, इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोलो पहले यहां तक क्लियर। तो हम इसके करेक्शन करेंगे, वो कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। आओ बेटा इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं। पवन, नमन, रमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे एडमिट दे फॉर इक्वल शेयर। पवन, नमन, रमन पार्टनर्स हैं, इक्वल उसके लिए दे भी आ गया, इक्वल के लिए ओके। हमारे को सिर्फ कोई लेन देन नहीं है यहां से। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। गुडविल कितने पे वैल्यू करनी है बेटा? 4 ईयर्स परचेज पे। एवरेज प्रॉफिट कितने का लेना है? लास्ट 5 ईयर्स का। पहले बोलो यहां तक क्लियर है, यहां तक कंफ्यूजन क्लियर? प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब ध्यान से देखना ये कैसे करेंगे। ईयर एंडेड 31st March 2020, 31st March 2021, 31st March 2022, 31st March 2023। अभी एडजस्टमेंट की बात करेंगे। प्रॉफिट्स 30,000, 70, 1 lakh, 1,40,000 और 1,20,000 का लॉस है। अब इधर एडजस्टमेंट्स, चलिए ऑन 1st April 2023, कब बेटा? 1st April 2023 को 5 साइकल्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वर परचेज। हमने 5 साइकिल खरीदी की है बेटा, कितने की खरीदी है? 20,000 बेटा। एक साइकिल 20 की नहीं है, पांचों की पांचों 20 की है। कहीं से 20 × 5 1 lakh रुपीज कर दो। क्या करा हमने? 5 साइकिल खरीदी, कितने की बेटा? 20,000 की। साइकिल खरीदना क्या हो गया? कैपिटल है, रेवेन्यू कैपिटल। एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हमने करा क्या था? हमने खरीदी साइकिल, पर हमने साइकिल को क्या मान लिया गलती से? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। बोलो पहले यहां तक क्लियर? कंफ्यूजन? नो, क्लियर है। डेप्रिसिएशन ऑफ साइकिल्स वॉज, इसकी बात में करेंगे। अब बेटा पहले एक बात बताओ, साइकिल क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए था? नहीं। कहां पर आता? बैलेंस शीट में। पर मैंने उसे क्या मान लिया? अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां पर आया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, आपने क्या काम करना है? आपने 2 P&L बनाने हैं रफ में अपने लिए। एक बनाने करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, एक बनाने रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले क्या आपको यहां पर साइकिल डालनी थी? नहीं डालनी थी। आपने गलती क्या कर दी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए। यानी रॉन्ग P&L में क्या करा होगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से कितना अमाउंट डाला होगा? 20,000। बोलो पहले यहां तक क्लियर? तो ये सही है गलत है? गलत है। करेक्शन के लिए क्या करोगे? इसकी रिवर्स कैसे? प्लस या माइनस? बच्चों ने बोला माइनस। बेटा एक बात बताओ, एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करते हैं? घटाते बढ़ाते हैं? घटाते हैं। तो करेक्शन के लिए क्या करूंगा? ऐड बैक। पॉइंट क्लियर? नहीं आई समझ? बेटा डेबिट साइड होती है माइनस की, क्रेडिट साइड होती है प्लस की। पॉइंट क्लियर हुआ? तो करेक्शन के लिए क्या कर दूंगा इसकी? प्लस, यानी प्लस 20,000। वेट, अभी खत्म नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन ऑफ साइकिल वॉज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। साइकिल पे क्या लगनी थी बेटा? डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, एसेट आती है या एसेट का डेप्रिसिएशन आता है पी एंड एल में?
डेप्रिसिएशन। तो यानी यहां मेरे को लगाना क्या चाहिए था, डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्लियर, एक बार कंक्लूड कर रहा हूं। साइकिल थी 20,000 की, क्या मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी गलती से कहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से 20,000, राइट। जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था मेरा डेप्रिसिएशन। तो लगाना कितना हुआ डेप्रिसिएशन, 20,000 का 25% कितना हुआ 5,000, यानी माइनस करना चाहिए था 5,000 और कर कितना दिया 20। इसको करेक्ट करने के लिए ऐड करेंगे और इसको करेक्ट करने के लिए माइनस। अच्छा ईयर कौन सा लेंगे बेटा, अगर 1 अप्रैल 23 में कर रहे हो तो कौन सा ईयर लोगे, 31 मार्च 24 जो क्लोज हो, तो प्लस 20,000 माइनस 5,000। बोलो पॉइंट क्लियर। आगे, ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन द फैक्ट्री ऑन 15th October 2023 अ मशीन वॉज 20,000 वॉज इंकर्ड ऑन इट्स रिपेयर। मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक मशीन डैमेज हो गई और 20,000 रुपीज क्या लगे इसके, बोलो 20,000 रुपीज क्या लगे रिपेयर्स के। अब बताओ क्या करूं, करेक्शन ऐड ऐड। ये कौन सा एक्सपेंस हुआ मेरा एबनॉर्मल, ये कौन सा हुआ एबनॉर्मल। दोबारा बोले डाउट क्या है, करेक्ट। बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सर अगर एक्सीडेंट वर्ड ना होता, ये अगर एक्सीडेंट हटा दूं इसका कोई काम नहीं था, पर ये क्या हो गया एक्सीडेंट है भाई, एक्सीडेंट रोज तो होते नहीं है, तो ये एक्सपेंस क्या हो गया एबनॉर्मल एक्सपेंस। क्या कर दूंगा करेक्शन के लिए ऐड, तो प्लस 20,000। जरा अब निकालिए कितना बैठता है, ये आ गया 30, फिर आ गया 70, फिर आ गया 1,00,000, फिर 1,40,000, और ये कितना बैठ रहा है 20 और 25 35, यानी हो गया 85 का लॉस, 85,000 लॉस में है। निकालो टोटल कितना बैठता है, 1,00,000 + 1,00,000 + 1,40,000 - 85 2,55,000। एवरेज प्रॉफिट निकालो 2,55,000 / 5 51,000। अब गुडविल कितने पे लेनी है, 4 years purchase, तो गुडविल हो गया 51,000 × 4 2,04,000। बोलो पॉइंट क्लियर, यस और नो। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है डीके से, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एक बार ट्राई करो राइट नाउ। आओ बेटा अब चेक करो अपने स्टेप्स। इलस्ट्रेशन 4 क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वल शेयर कर रहे हैं। दे एग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर, क्या कर रहे हैं सी को लाएंगे। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years। गुडविल कितने पे वैल्यू करनी है 150% एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 years का। आगे प्रॉफिट्स पर देखिए, ये प्रॉफिट दे रखे हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द ईयर 31st March 2016 पे an asset of the original cost of rupees 2,00,000 with book value of rupees 1,50,000 was sold for 1,24,000। ध्यान से पढ़ना, an asset of the original cost of 2,00,000, एक asset जिसकी cost कितनी थी 2,00,000 की, with a book value of 1,50,000, book value, बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इतनी वैल्यू रह गई, यानी एक एसेट थी जिसकी कीमत थी 1,50,000 की, उसे हमने क्या करा 1,24,000 में सेल कर दिया।
एक आपको कंफ्यूजन आएगी कि सर 2 लाख को कंसीडर करें या 1,50,000। बेटा सिंपल सी बात है, बुक वैल्यू होती है हकीकत, एक्चुअल वैल्यू जो ये 2 लाख से ये कॉस्ट प्राइस है। मैंने अगर एक फोन खरीदा, लेट सपोज मैंने एक फोन खरीदा 1,50,000, आज इसकी कीमत रह गई 50,000 और मैं उसे 40 में बेचूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को कितना घाटा हुआ, 10 का या 60 का? 10 का। अब ये तो बोलोगे भाई आज कीमत 50 की थी, मेरे को 40 में बेचना पड़ा, राइट? ये बोलोगे अरे 1,00,000 का खरीदा था, 40 में बेचा, 60 का घाटा हो गया। खुद सोचो, यही बोलोगे ना, सेम विद द क्वेश्चन। तो मैंने 1,50,000 की चीज कितने में बेच दी, 1,24,000, तो लॉस कितने का हो गया पहले, 36,000 का, 26 का हुआ बेटा, 36 का नहीं हुआ, आप मेरी कैलकुलेशन भी गलत करा देंगे। चलिए, ऑन 1st April 2017 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 वर परचेज एंड रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। दो कंप्यूटर्स खरीदे, कितने के खरीदे थे, 1,00,000 रुपए के, और कहाँ डाल दिए मैंने, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। यानी था मेरा कंप्यूटर पर मैंने उसे क्या कंसीडर कर लिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यानी कैपिटल को क्या कंसीडर कर लिया बेटा, रेवेन्यू। बोलो पॉइंट क्लियर, तो आओ करेक्शन करते हैं। अब सबसे पहले प्रॉफिट, क्लियर? प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड प्रॉफिट, ईयर एंडेड 31st March, प्रॉफिट्स, एडजस्टमेंट्स एंड लास्ट में हमारे प्रॉफिट, या मैं बोलूं एडजस्टेड प्रॉफिट, कुछ भी आप इसे बोलना चाहे। सबसे पहले मेरा 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019, कितना हो गया, 40,000, 60,000, 1,20,000 लॉस है एंड 1,50,000। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट, यहां पे कितने का घाटा हुआ, 26। ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल को क्या करते हैं, ऐड। तो कौन सा ईयर आएगा, 2016, ये रहा, 26,000 ऐड बैक हो जाएगा। अच्छा जी, फिर 1st April 2017, यानी ईयर कौन सा एंड होगा, अगर आपने 17 में खरीदा है तो कौन सा ईयर एंड हुआ, 2018। क्या तरीका बताया था, याद है, क्या करो, एक करेक्ट बनाओ और एक रॉन्ग, एक बनाओ करेक्ट पीएनएल, एक बनाओ रॉन्ग पीएनएल। तो गलती करी आपने, दो कंप्यूटर्स थे 1,00,000 रुपए के, कहां डाल दिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। यानी गलती से आपने उसे पीएनएल की डेबिट साइड में डाला होगा, कितना, 2,00,000 रुपीज, राइट? जबकि कंप्यूटर्स नहीं आते, क्या आता है, एसेट कभी आता है नहीं, क्या आता है, कंप्यूटर कॉस्ट 1,00,000 है, ओके बेटा 1,00,000 है, 1,00,000 के है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वॉज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन लगाना था 20%, यानी कितना लगना चाहिए था,
30,000 कौन से साल का, ध्यान से अब देखना, 31 मार्च 2018 में कितना लगाना था, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था, पर मैंने लगा कितने का दिया, 1,00,000। करेक्शन क्या करूं, इसको कर दूंगा ऐड और इसको कर दूंगा माइनस। कौन से ईयर में बेटा, 2018, ऐड करेंगे कितना, 1,00,000 और माइनस करेंगे 20,000। बोले यहां तक क्लियर? वेट, अब तो क्रूशियल पॉइंट शुरू हुआ है बेटा, एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन क्या सिर्फ एक साल लगता है या अगले साल भी लगता है? अगले साल भी लगता है, यानी कब लगेगा, 31 मार्च 2019 को भी। कितना आएगा डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑन वैल्यू याद है किसी को क्या होता है? 1,00,000 की चीज थी, कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 20, कितनी रह गई, 80। तो जो अगला डेप्रिसिएशन है कितने पे कैलकुलेट होगा बेटा, 80 पे, कितना हो गया, 16,000। कितना हो गया ये, 64,000, यानी अगले साल आना चाहिए था 16,000, तो अगले साल 16,000 माइनस होना चाहिए था। बोलो पॉइंट क्लियर, यस और नो? ये इसमें क्रूशियल पॉइंट है। अब आगे क्वेश्चन नॉर्मल है आपके लिए, ये कितना हो जाएगा, 40,000, ये हो जाएगा 86, ये कितना हो जाएगा, 1,00,000, ये कितना होगा, 40,60, 1,50,000, 1,34,000। मेरा आ रहा है 4,20,000। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट, 4,20,000/5, 84,000। गुडविल कितने पे लेनी है, 150%, तो गुडविल कितनी हो जाएगी सर, 84,000 का 150%, 1,26,000। चेक कर लो, यही आंसर है। बोलो कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है, कंफ्यूजन क्लियर करो, इसे नोट।